आज मैं आपके साथ अचार की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी तो है, साथ में हेल्दी भी बहुत है, और सिर्फ आप अपने घर में कुछ भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो या बातें कर रहे हो, तो बड़े आराम से ये अचार आप बनाकर तैयार कर लेंगे और बहुत अच्छे से एक महीने तक पूरी पराठा, दाल, चावल, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करेंगे। आजकल सर्दियों का मौसम है, आपको पता ही है, सब्ज़ियाँ तो बहुत बढ़िया और टेस्टी आई हुई हैं, तो चलिए इसी से बना लेते हैं आज बहुत टेस्टी और हेल्दी अचार, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा और 15 मिनट में आप इसे खाने के लायक भी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल ईजी एंड टेस्टी। तो चलिए ये देखिए कितना अच्छा चटपटा और माउथ वाटरिंग अचार बनाएं, तो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 400 ग्राम मूली लिए, अच्छे से धोकर आगे और पीछे का पार्ट निकाल दिया और उसको छील लिया है। इसी तरह 150 ग्राम के लगभग अदरक लिया है और ये मिर्चें लिए हैं 100 ग्राम होंगी, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये मिर्चें हैं फ्री की मिर्चें। आज मैंने बनाया फ्री की मिर्चों का अचार, बहुत सारी मिर्चें इकट्ठी हो रही थी तो मैंने कहा चलो इनका अचार ही बना देते हैं। अब वो कैसे इकट्ठी होती हैं वो तो आप सब लेडीज़ को पता ही होगा, क्योंकि जब भी हम सब्जी लेते हैं तो सब्जी वाले से धनिया और हरी मिर्च लेना तो छोड़ते नहीं है, तो बस 2-3 दिन उन मिर्चों को इकट्ठा कीजिए और खूब सारा अचार बना लीजिए। अब इस तरह से मिर्च को मैंने डंडियाँ तोड़ दी हैं, अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इस अचार में पानी ना हो, अच्छे से सिर्फ पोंछ लेना और कुछ नहीं करना। इसी तरह अदरक में भी काफ़ी मिट्टी होती है, उसको मैंने धोकर अच्छे से पोंछ लिया और इस तरह से उसके लंबे लंबे पतले पतले टुकड़े निकाल लेंगे। अदरक का ये अचार बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है, बहुत कम ऑयल में बन जाता है और सिर्फ एक दिन में यानी कि 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ना तो आपको उसको उबालना पड़ता है, ना ही आपको मसाले भूनने पड़ेंगे, कोई भी झंझट नहीं करना, फटाफट से 10 मिनट में अचार बनाकर तैयार हो जाएगा। और मसाले भी हम बहुत कम यूज़ करेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर नानों को करते हैं कि इतना मसाला है अचार में, तो अगर आप कम मसाले का अचार खाना पसंद करते हैं ना, तो ये आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है। इसी तरह से सारी मूली, अदरक और हरी मिर्च ये देखिए मैंने काट कर तैयार कर ली है। अभी देखिए देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और अचार बनने के बाद तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस अचार को आप आराम से 1-1.5 महीने तक रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कढ़ाई में 1/2 कप के लगभग ऑयल लेंगे, ये देखिए तेल को अच्छे से तेज गर्म होने देंगे, उसके बाद इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब मैंने पहले तेल को तेज गर्म किया, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके हल्का सा इसका टेम्परेचर डाउन कर दिया। अब मैंने इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच के लगभग जीरा, मेरा ये चम्मच बड़ा है तो इसलिए मैं 1 छोटे चम्मच का नाप बताऊंगी। 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर हींग डाल दी है। अब जो अदरक हमने काट के रखा था, सबसे पहले हम अदरक डालेंगे, क्योंकि अदरक का थोड़ा सा टेंगी टेस्ट होता है, मतलब हल्का सा कड़वाहट लिए हुए और तीखापन, तो इस तरह से अदरक को हम 20 सेकेंड तक भून लेंगे। बिल्कुल जितना मैंने आपको बताया है उतनी देरी भूनिए, उससे क्या होगा आपका अचार उतना ही परफेक्ट बनेगा जितना मैंने बनाया है। अब 1 छोटा चम्मच इसमें मेथी दाना डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच ही इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से अचार बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिबल हो जाता है और टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाता है। अब देखिए आपके सामने मैं कोई अलग से अचार के मसाले भून नहीं रही, ना ही पीस रही, डायरेक्ट डाल दूंगी। अब 1 छोटा चम्मच ही मैंने इसके अंदर कलौंजी डाल दी है, क्योंकि तेल अब काफ़ी गर्म है तो कलौंजी और जो मेथी वगैरह डाली है वो अपने आप ही सारे मसालों के साथ भून जाएगी। बस इसे 20-25 सेकेंड तक भूनने के बाद इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद भी हमें 10 से 15 सेकेंड ही भूनना है, बहुत ज़्यादा इस अचार को हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा भूनेंगे ना तो ये अचार नरम पड़ जाएगा और इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। एक बार आप इस तरीके से अचार बनाइए, उसके बाद जो सारे तरीके हैं, पहले सब्जियों को उबालना, धूप में सुखाना, मसाले पीसना, वो सब झंझट आपके ख़त्म हो जाने वाले हैं। फटाफट से सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये बढ़िया अचार बनके तैयार हो जाएगा। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले अभी और मिलाऊंगी और ये जो मूली डालने के बाद भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, 3-4 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि मूली नरम नहीं पड़नी चाहिए, तभी अचार को खाने का मज़ा आएगा। जब ये नेचुरल नरम पड़ती है ना मसालों के साथ, तो इसको बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैंने इसमें 1.5 छोटे चम्मच के लगभग नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर सौंफ पाउडर डाला है। सौंफ को मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया है। इन मसालों को हमें भूनने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस अचार को गैस के ऊपर बना रहे हैं। अगर गैस पर ना बनाएं तो मसाले भूनने की जरूरत है। अभी
एक मिनट में ऑलरेडी खुद ही भून जाएंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक बड़ा चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है बस, और कोई भी मसाला हमें इसमें डालना नहीं है। अगर आप मेरी राय माने तो इसमें ना तो हमें सरसों डालने की ज़रूरत है और ना ही हमें इसके अंदर धनिया डालने की ज़रूरत है। मूली का ये अचार जितना कम मसालों से आप बनाएंगे उतना टेस्टी बनेगा। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जब हम बाज़ार में भटूरे के साथ मूली का अचार खाते हैं तो वो ज़्यादा स्वाद लगता है, जबकि वो बहुत कम मसालों के साथ होता है। तो इसीलिए आज बहुत कम मसालों से बहुत जल्दी बनने वाला, मतलब ऐसा है ना इस अचार का मामला कि आप अभी बनाइए और अभी खाना शुरू हो जाइए 10 मिनट के बाद। बस ये देखिए मैंने अब गैस का फ्लेम जो है हल्का कर दिया है। अब एक चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये राई का पाउडर है। राई लाल वाले छोटे दाने होते हैं, इसको कहीं कहीं सरसों भी कहते हैं। एक से डेढ़ चम्मच, एक तो ये अचार को प्रोटेक्ट करेगा यानी ख़राब होने से बचाएगा, दूसरा ये अचार को खट्टा करेगा। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, पर मैं अचार में अमचूर पाउडर प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि अमचूर डालने से ना अचार का रंग काला पड़ जाता है। आपको पता ही है आम और आंवला दो चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जियों का रंग हल्का सा कालेपन पर ले आती हैं, तो इसलिए मैं तो अचार में ये डालती ही नहीं हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर चुकी हूँ और इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने दिया है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच जो है सिरका डाल देंगे। इससे आप एक बार ये अचार बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनेगा, जल्दी भी बनेगा। अगर आपको लगे कि आपको सिरका पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह 2-3 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, लेकिन उस केस में आपको तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। जबकि आप इस तरह अचार बनाएंगे तो इसमें आपको बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद है। आप ये ना सोचें कि मैंने गैस भी रखा हुआ है तो गैस ऑन है, गैस मैंने बंद कर रखी है। बस अब अचार पूरी तरह ठंडा हो गया है और खाने के लिए रेडी हो गया है। तो मैं तो इसे पराठे के साथ देने वाली हूँ। आप बताइए ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं और इसको किस चीज़ के साथ सर्व करेंगे। वैसे तो ये अचार आप 15-20 मिनट बाद ही खा सकते हैं, लेकिन अगले दिन तो इसका इतना लाजवाब टेस्ट आता है ना, उसके बाद जब भी आप दाल चावल पूरी पराठा और यहाँ तक कि आप फुलका भी खाना चाहेंगे ना, तो आप इस अचार के बिना खाना ही नहीं चाहेंगे, इतना टेस्टी अचार बनता है। और मूली वैसे भी थोड़ी सी सर्दियों में खाना फ़ायदेमंद होता है, जितनी मूली आप खा लें उतना कोलेस्ट्रॉल आपका कम रहेगा। तो चलिए बाय, कल फिर मिलूंगी। आप ये अचार की रेसिपी अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। थैंक